फाइनली भाभी को मेहंदी अच्छा ब्लॉग भी में डलेगा ये तुम्हारा, तो सिर्फ मेहंदी डलेगी ना मेहंदी के लिए डलेगी ना। बहुत तो अच्छी आई, बहुत अच्छी लगाई पता तुमने। नहीं कैसे लगाई है, बस लगा दी है क्योंकि नाम करना था कि मेहंदी लगी है। अब कैसी लगी है वो पता नहीं है। वो आप वो लोग आप लोग बताना, बताना कमेंट करके। देखिए गाइस, मेरे पीछे के लोग भी बोल रहे हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मेहंदी कैसी वो लगी लेफ्ट है। वाली अच्छी लग रही है कि राइट वाली, ये भी बताना कमेंट में। देखते हैं किसके कमेंट ज्यादा आते हैं, कौन से हाथ के, राइट या लेफ्ट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनिका जहां। तो गाइस, कल वाला ब्लॉग आपने देखा, जो वेलकम वाला ब्लॉग मैंने वहीं एंड कर दिया था, और वहां से मैंने कोई नया ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया था, बस एक दो क्लिप्स ली हैं जो मैंने पहले डाल दी हैं, तो वो आप लोगों ने अब तक देख ली होंगी। और आपने देख ही लिया होगा कि सब लोग कह रहे हैं कि आप लोग कमेंट्स करके बताइए, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। और अभी बस मैं जाग गई हूँ, और तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ते की प्रिपरेशन वगैरह करने, तो हम लोग नाश्ते की प्रिपरेशन कर लेते हैं और नाश्ता करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। देते हैं उन्होंने तो मम्मी ने उनकी देखी नहीं, लग ये क्या हो रहा है? ये भाभी खाना बना रही है आज, ये की बार वो भात पर खाई हो रही है। हाथ पर खाई हो रही है कि खाना बनाना आता है? अच्छा। है कि खाना बनाना आता है साथे कि पर साथे खड़ी हो पर नहीं। हां हमारे लोग को खाना मैं तो हाथ से डाल ही ना पाऊँ, मैं तो हाथ से डाल ही ना पाऊँ। अच्छा था, अभी अच्छे नहीं आने चाहिए। नहीं सही है, छोटा करो। नंबर मिलेंगे ना, एक कॉलम मेरा भी नंबर था, मैं भी लूंगा। अच्छा आपको भी चाहिए नंबर? नंबर दूंगा, टीचर पैनल में चाहिए। नहीं हाँ पकड़ो, अब हाथ डाले तब दोनों हाथ का लेना। गुलगुले बन रहे हैं। हाँ गुलगुले बन रहे हैं। यहाँ चल रही है फाता की तैयारी, मतलब सुहागनों की तैयारी, जो भी कुछ बनता है हमारे यहाँ सुहागनों में। क्या क्या बनता है मम्मी? हमारे यहाँ बहुत कुछ बनता है, था मलिदा बनता है, गुलगुले बनते हैं। तो ये मलिदा यहाँ बना रखा है, और गुलगुले मैंने आपको पिछली क्लिप में दिखाए थे, भाभी बना रही थी वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और चावल चढ़ा दिए हैं बड़ी मम्मा ने, ये चावलों में डलेगा। हाँ ये चावलों में डलेगा, ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये चावलों में डलेंगे। दही अभी मम्मा निकालेंगी, और ये पान वगैरह है, क्या है ये, दही है रखा हुआ, ये अभी मम्मा निकालेंगी। मेहंदी घुल रही है, कलावा तेल, और ये पता नहीं क्या है, सौंफ छाली वगैरह पता नहीं क्या क्या। एक मिस्सी होती है वो है, ये क्या है, मिस्सी है सुरमा, मिस्सी सुरमा। ओके, मतलब पूरा श्रृंगार का सामान है। तो यहाँ बड़ी मम्मा घोल रही, बड़े मम्मा मेहंदी घोल रही हैं। पुराने जमाने की ड्रेसिंग टेबल। हाँ। अच्छा ये सब होता था उसमें, सब होता था। ओके तो गाइस मम्मा पीछे से कुछ बोल रही हैं, क्या ये सालन भी बनाया मैंने? सालन बनाया है। हाँ। बन गया है, दिखाऊं? हाँ, हरा धनिया और डालना। तो गाइस ये देखिए सालन बन के रेडी है। सालन मतलब ये कोरमा है। हाँ, ओके कोरमा है, और इधर ये बने रखे हैं भाभी के हाथ के बने हुए गुलगुले, इधर बन रहे हैं चावल। सारी तैयारियां हो गई, हो गई है ना गाइस, फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और भाभी भी रेडी हो गई हैं। तो क्या कहते हैं आप लोग, करा दूँ भाभी की मुंह दिखाई? तो आप लोग पहले अपने अपने गिफ्ट्स लेके बैठ जाइए, दुआएं और गिफ्ट सब लेके बैठ जाइए, मेरी भाभी को गिफ्ट भी तो चाहिए आप लोगों के। सही है ना, सही कह रही हूँ ना? तो आप लोग गिफ्ट्स अपने साथ तैयार रखिए, बस अभी मैं दिखाने जा रही हूँ मेरी भाभी। तो 1 2 3, और ये रही मेरी भाभी, रेडी हो गई।
कैसी लग रही है गाइज, कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरी भाभी का फुल लुक कैसा लग रहा है। आज हम लोगों के यहाँ सुहागने हैं, सुहागने होती हैं शादी के बाद, तो आज बस वही है, तो देखते हैं आगे कैसा क्या रहता है, पता नहीं। तो गाइज यहाँ हो गई है सुहागनों की फाता और ऑलमोस्ट सुहागने भी आ गई हैं, तो चलिए चलते हैं खिलवाते हैं। और ये यहाँ पप्पी भी आ गई हैं, तो देखते हैं अभी आगे क्या करते हैं। हाय हाय, बहुत दिन बाद मिले जी। अभी मिले थे ग्वालियर में, ग्वालियर लेकिन रिसेप्शन वाले दिन मैं ज्यादा ब्लॉग नहीं शूट किया था मैंने, तो पप्पी को मैं आप लोगों से नहीं मिलवा पाई थी, तो बस ऐसे ही है। अभी आ गई है सुहागने, एक्चुअली ये मेरी पप्पी भी है और चाची भी है। तो गाइस भाभी जा रही हैं बाहर जहाँ सुहागने खा रहे हैं, वहाँ पर जहाँ मेरी एंट्री बैन है, मैं नहीं जा सकती हूँ। जहाँ मेरी एंट्री बैन है, मेरी एंट्री तो बैन है, मैं तो जा ही नहीं सकती, क्या दिखाऊँ, नहीं दिखा सकती। 1000 years later तो गाइज बड़ी मम्मी बड़े पापा जा रहे हैं और ये सामान लेकर जा रहे हैं अभी, तो फिर थोड़ी देर बाद जाएंगे। सुहागने तो अच्छे से हो गई हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाई क्योंकि वहाँ मेरी एंट्री बैन थी, मैं नहीं जा सकती थी, तो जो लोग जा सकते थे वो गए थे और हो गई सुहागने तो। और उसके बाद अभी बस बड़ी मम्मी बड़े पापा को अलविदा कह देते हैं, जा रहे हैं बड़े मम्मी बड़े पापा। थोड़ा बुरा भी लग रहा है, एक दिन को इतनी रौनक सी थी और आज एकदम से ऐसा हो गया कि बस अभी अचानक से जा ही रहे हैं, मतलब अभी जाना ज़रूरी है, तो फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। आज कब, कल आई थी आप? हाँ पर बहुत आसपास जगह है, बहुत है, टाइम लेके आना अब। हे गाइस, तो अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैंने कल रात को फिर कुछ भी शूट नहीं किया था, कोई क्लिप नहीं ली मैंने क्योंकि कुछ था नहीं करने को, बस थोड़ा सा बिजी भी हो गए थे, सब लोग चले गए तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि अब रहने देती हूँ, अब कुछ नहीं शूट करती हूँ। तो मैं इस ब्लॉग की एंडिंग अभी ले रही हूँ और ज़्यादा कुछ था नहीं, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं है, छोटा सा ही ब्लॉग है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अभी मेरे बहुत इंटरेस्टिंग से ब्लॉग्स आने वाले हैं, मैं कहीं ट्रैवल प्लान कर रही हूँ, तो आप लोग देखिएगा मेरे ब्लॉग्स को, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा मेरा, ट्रैवल ब्लॉग जो होगा, मैं कहीं घूमने जाने वाली हूँ, तो आप लोग गैस कीजिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ और मुझे कमेंट्स करके बताइए। और बस अभी मुझे ट्रैवल की तैयारियाँ करनी है, तो देखते हैं कि क्या होता है, कहाँ जाती हूँ मैं घूमने, इन द सेंस एक दो दिन का ही ट्रिप होगा, जाना है मुझे कहीं घूमने ही है खैर, लेकिन कहाँ जाना है वो आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट्स करके, जब तक आप लोग गैस कीजिए। और मेरे उन ब्लॉग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ अभी के लिए, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।